तेरी, अब तो हमारी बाइक भी जो है ना वो जवाब दे गई है भाई। अच्छा तो भाई ब्लॉगिंग करते हैं। हाँ क्या बना है? मर गया। सारे सुना। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर की बहुत ही खूबसूरत सी वादी, इसका नाम है रावला कोट, और रावला कोट सिटी के हम एक गवर्नमेंट के रेस्ट हाउस में अभी स्टे कर रहे हैं, जहाँ हम पहुँचे थे कल रात को तकरीबन 8 बजे। ये है जी हमारा रूम, और अलमारियाँ वगैरह भी हैं यहाँ पर, वाशरूम भी काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा सा, और टॉवल वगैरह और सोप वगैरह भी देते हैं, गर्म पानी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। बाहर का बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ से खिड़की से दो तरफ से व्यूज़ भी आ रहा है। पिंडी से हमारा सफ़र शुरू हुआ था दोपहर में 12-1 बजे। वैसे तो 2-3 घंटे का ये सफ़र है, मगर क्योंकि हम फर्स्ट टाइम बाइक पे राइड करते हुए यहाँ पे आ रहे थे और हमारी बाइक्स भी नहीं है, तो हमें यही कहा गया था कि जी आपको इस पे तकरीबन कोई 50-60 की लिमिट से, स्पीड लिमिट से ऊपर नहीं जाना है। तो और बीच में हमने कई व्यूज़ और कई जो है वीडियोज़ बनाए, कई व्यूज़ लिए। तो आज जो है हमारा प्लान है, आज हमने जाना है आपको लेके यहाँ से कोई 1-1.5 घंटे के फासले पर, वैसे तो है एक टोली पीर। तो 1-1.5 घंटे का फासला है, मगर फिर वही बात कि हमने अपने बाइक्स को ज़रा आराम से लेके जाना है, क्योंकि एक तो चढ़ाई भी है और हमें वेट भी है हमारे बाइक्स पे। और उसके बाद तोलीपीर से आगे एक जगह है गंगा चोटी, तो बहुत ही खूबसूरत से इलाके हैं। हमारी बाइक्स रेडी है, तो चलते हैं तोलीपीर की तरफ, लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन वन्ना इला रब्बिना लमल क़लिबून। अल्लाह अपने हिफ्ज़ ओमान में रखे, सफ़र पर खैरियत से गुजरे। नाश्ता कहीं लिया? सबसे पहले तो चल के कहीं नाश्ता करें, क्योंकि पेट में जो है ना वो चूहे दौड़ रहे हैं। आगे पता नहीं फिर कुछ कब कहां पर मिले, तो बेहतर है यहां से कुछ खा पी के निकला जाए। ये जी अभी हमारा आ गया है नाश्ता। नाश्ते में हमारे पास है छोले हैं ट्रेडिशनल टाइप का, और ऑमलेट अंडा है, और पराठा, और कोयटा वालों की चाय, लजीज चाय। सो चाय के बगैर तो नाश्ता, आपको पता है कि नाश्ता अधूरा होता है। कितने पानी की बोतल कितने की? 80 रुपए की। दूसरी जगहों से सस्ती है, दूसरी जगहों पे तो 100 रुपए की होती है। तो भाई ये आप देख लो, सोच लो कि आपको आज़ाद कश्मीर में 80 रुपए की पानी की बोतल मिलेगी, दूसरी जगहों पे आपको 100 रुपए की मिलेगी। और पानी की बोतल यहाँ पर आपको मिलेगी पैसिफिक, नेस्ले या कोफिना की जगह है, पानी वैसा ही है। बहुत अच्छा, शुक्रिया जी। नाश्ता अभी हमने कर लिया है, और अब हम तोलीपीर जा रहे हैं, मार्केट से गुजर रहे हैं। रावला कोट की फ्रूट मार्केट है और कई चीज़ें हैं यहाँ पर। यार इसका रेस थोड़ा सा बढ़ा दोगे प्लीज, इसका बंद हो जाता है गाड़ी। सही है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, खैरियत से? मैंने कहा यार ये झाड़ वाड़ थोड़ा सा कटवा दो कि लोगों को नजर तो आए। ये बोर्ड तोलीपीर लेफ्ट पर जाना है। शुक्रिया, और ठीक है
तो यहाँ पर जी बोर्ड लगा हुआ है तोली पीर 30 किलोमीटर ऑन लेफ्ट, रावलपिंडी के लिए शायद सीधा जाना है आपने। तो ये जो चौक आ रहा है यहाँ दिखा रहा है तराड़ कैंपस नीचे जा रहा है, और तोली पीर के लिए यहाँ से आपने लेफ्ट को टर्न करना है ऊपर की तरफ, नीचे नहीं जाना है आपने। ये यहाँ से अब दो रास्ते निकल रहे हैं, एक लेफ्ट पे चक्के एयरपोर्ट जा रहा है और हमने सीधे जाना है तोली पीर के लिए। द वार ट्रेनर्स 12 डिवीजन बटालियन, ये लगता है कोई नया कंक्रीट वाला रोड बना है यहाँ पर, और अब जंगल फॉरेस्ट भी शुरू हो गया है। सामने पहाड़ों पर जो है वो दरख्त वगैरह नजर आ रहे हैं। ये है अभी हम पहुंच गए हैं खाई गला। अब ये खाई गाला है या खाई गल्ला है ये नहीं पता हमें। ये कौन सी जगह है भाईजान, ये कौन सी जगह है? खाई गला, ये तोली पीर लेफ्ट को ये जा रहा है। हाँ, और ये से लेफ्ट पे जाना है। अच्छा, शुक्रिया। तो ये खाई गला से अभी हम ये लेफ्ट को टर्न किया है आगे बीच बाजार में से। हर तरफ जो है ना वो दोनों तरफ ग्रीन वेजिटेशन है, पूरा जो है ना वो एरिया लश ग्रीन नजर आ रहा है, खूबसूरत सी वैली नजर आ रही है नीचे। रोड भी जो है वो अभी तक तो ठीक ही है। मौसम जो है ना इस वक्त वो काफी गर्म है, धूप अच्छी खासी शिद्दत से निकली हुई है। तो हालांकि ठंडक का थोड़ा सा एहसास तो आ रहा है, सारी बातें हम गुजर रहे हैं पहाड़ी इलाकों में से और वेजिटेशन भी अच्छी खासी है, मगर फिर भी इस खाकसार बंदे को थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है। और अब ऊंचाई पे हम चढ़ रहे हैं तो सेकंड और थर्ड गियर से ऊपर नहीं जा रही गाड़ी हमारी, 25-30 की किलोमीटर ऊपर से बहुत ही कर्वी रोड है। अभी अचानक से बादल छा गए, अब लगता है कि धूप और बादलों की आंख मचोली चलेगी। अब हल्की हल्की ठंडी हवा थोड़ी और ठंडी हो गई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ये कौन सी जगह है यार? ये बनबैक तोली पीर, यहाँ से सीधा जाना है तोली पीर के जी? तोली पीर आगे है, सीधा ही जाना है। अच्छा, शुक्रिया भाई। बनबैक तोली पीर राइट पे जाना होगा आगे जाके, हमने यहाँ पर एक बोर्ड नजर आया था। ओ तेरी, अब तो हमारी बाइक भी जो है ना वो जवाब दे गई है भाई, अब नहीं चढ़ा जा रहा उससे ऊपर। ये मेरा रोड फुल भी थक गया है, इसकी भी अब बस हो गई है। चल भाई रोड वुल्फ, हिम्मत कर थोड़ा आगे, बस बस पहुंचने वाले हैं मेरी जान। ये जी अभी सुबह सुबह फुल एंजॉयमेंट में है, फुल एंजॉय कर रहे हैं। ट्रैफिक काफ़ी जो है ना वो कम है, तो हमारे लिए जो है ना वो ड्राइव करना आसान हो गया, जो कि एक अच्छी बात है। हाँ से ना कहीं खड़े हो के ना आपको यहाँ के व्यूज़ करवाते हैं, कहीं पर ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए लुकआउट टाइप का, तो दो मिनट के लिए गाड़ी को भी जो है रेस्ट देते हैं। मैं भी ये छे यहाँ पर गाड़ी खड़ी करते हैं। ये जी चेक करें
क्या व्यू है माशाल्लाह से जबरदस्त। नीचे कोई दरिया शरिया बह रहा है और पहाड़ नीचे है, एक पीछे दूसरा पहाड़ है, लश ग्रीन सा जो है ना माहौल है। दिल करता है बंदे का कि यही रह जाए। ये अब हम पहुंच गए हैं जी तौली पीर के टूरिस्ट स्पॉट, या तो ये पथरीला रास्ता शुरू हो गया है। काफी रश और भीड़ है मगर रास्ता जो है ना वो पत्थर यहाँ पर पता नहीं क्यों है। तो बचत हो गई, काफी जो है ना मुश्किल एरिया है, पथरीला रास्ता है। अस्सलामुअलैकुम, उस तरफ गाड़ी क्यों खींच रही है? भाई साहब पता नहीं किधर निकल गए जुबेर भाई। भाईजान ये घोड़े के कितने बताए आपने, कितने लेते हो? 600। दोनों तरफ आना जाना? एक तरफ की 600। एक बंदा या दो बंदे हो? ये आपकी मर्जी। ये दो बंदे अगर चढ़ जाएं तो ठीक है, ये ना गिरने की हमारी जिम्मेदारी है। वाह जी वाह, भाई कह रहे हैं कि गिरने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो भाई ऐसा रिस्क तो हम 600 रुपये में एक तरफ का नहीं उठाएंगे। ये जी अभी हमने स्टार्ट किया है टोली पीर का वॉक। ये घोड़े वाला जो है बता रहा है कि 2.5 किलोमीटर है तकरीबन, तो एक घंटा तकरीबन शायद लग सकता है या आधा घंटा घंटा डिपेंडिंग ऑन आपकी स्पीड पर। रास्ता कोई ट्रैक बना हुआ नहीं है, तो बस ऊंचे नीचे पथरीले घास वाले एरिया में से ही आपने ऊपर चढ़ना है। वैसे लोगों के चलने फिरने से कुछ ट्रैक तो बने होंगे, वो देखते हैं कहीं नज़र आ जाए। हाँ ये देखेंगे, नज़र आ गया, ये पगडंडी कुछ बनी हुई है। ये जो मेरे शूज़ हैं, ये हाइकिंग एंड ट्रैकिंग के प्रॉपर शूज़ तो नहीं है, ये बाइकर्स के शूज़ हैं बाइकिंग के लिए। तो अभी मैं बाइकिंग कर रहा हूँ तो इतना टाइम भी नहीं है। ये शूज़ वो अपने लगेज में से निकालूँ और वो पहन के चलूँ। जैसे यहाँ पर टक शॉप वगैरह रस्ते रस्ते में बने हुए, पानी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। आप यहीं रहते हैं? अच्छा, कितना दूर है आगे? थोड़ा सा, कितना, आधा घंटे का है? एक घंटे का? आप कितनी देर में पहुंच जाओगे? अगर आप आधे घंटे में पहुंचोगे तो मैं तो एक घंटे में पहुंचूंगा ना फिर। हम तो सिंध से आए, तो पहाड़ तो हमारे लिए जो है वो आपके लिए इतना, ये तो 15 मिनट में मैं पहुंच गया। शुक्रिया।
क्या हाल है भाई? डरो मत, डरो नहीं, हम जा रहे हैं, आप डरो मत। वहाँ से फिर बाघ, ये नीचे सारा बाघ ही है इस साइड, वो पार गंगा चोटी है, वो जो एक यहाँ हमारे साथ है नोमान साहब, ये यहाँ के लोकल हैं, इनका अपना नीचे होटल भी है। यहाँ इन्होंने हमें टूरिस्ट गाइड वाला जो है वो अपनी सर्विसेज दी हैं। ये बता रहे हैं कि यहाँ से जो है सोडन गली का रास्ता जाता है, नीचे बाग है और आगे जो है वो लस्टना आता है। यहाँ से आप लस्टना से होते हुए और सोडन गली या बाग नीचे और ऊपर गंगा चोटी वगैरह जा सकते हैं। और इनके इनका आपका होटल किस नाम से? यारांदा ढाबा, नीचे यारांदा ढाबा, यारांदा ढाबा के नाम से इनका रेस्टोरेंट है। कभी आना हो तो यहाँ इनको ज़रूर आप याद कीजिएगा। आप चैनल का नाम बता देना। ये है रियाज, मेरा नाम है डी रियाज दी एक्सपोर्टर। तकरीबन हम यहाँ टोली पीर पे 8000 से ज़्यादा की एलिवेशन पर हैं। ये अभी पीछे ढाबे वाले भाई ने बताया कि टोली पीर जाने के लिए आपके लिए ये पगडंडी वाला रास्ता सही है, ये सीधा रास्ता जाता है। लोग खाम खाम में ऊपर नीचे यहाँ से चढ़ते रहते हैं पहाड़ी पे, फिर ऊपर से नीचे आते हैं। तो खैर ये भी एक एडवेंचर है, हमने तो काफ़ी एडवेंचर कर लिया है, तो अभी भी एडवेंचर जारी है हमारा। मगर अब जो है वो हम इस रास्ते से, सीधे रास्ते से जो है ना, जो सीधा रास्ता बना हुआ है उस पर से जाते हैं आगे। हमने कोई अपना रावला कोट से शुरू किया था 11 बजे का सफ़र मोटर बाइक पे, और 1 बजे के करीब हम तोली पीर पहुँच गए, तो 2 घंटे में यहाँ से पहुँचे थे। और अभी तकरीबन 1:37 हो रहे, तो ये लो जी, चल बाबा जी तुसी लिख लंघ जाओ। तो 1:37 यानी कि तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट हो चुके हैं हमें वॉक करते हुए। बीच में ऐसे ही थोड़ी देर के लिए बैठ भी गए थे, गपशप भी लगाई थी एक भाई से, यहाँ के लोकल से, उसने हमें यहाँ के बारे में कुछ गाइड वगैरह भी किया था। अभी कह रहे हैं कि बस आगे आ गया है, वाकई नज़र तो आ रहे, तो और 15-20 मिनट शायद लगेंगे अगर हम इसी स्पीड से चले। तो ये देखें लोग ऊपर से पहाड़ी से आ रहे हैं, ये पहाड़ी लोग हैं, शायद इनके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो अभी जी हम पहुंच गए हैं फाइनली तोली पीर पे, तकरीबन 2 बजे हैं, तो 1 घंटे में हम यहाँ तोली पीर पे नीचे से बाइक खड़ी करके यहाँ पर पहुँचे हैं। और अभी चल के दरगाह पे हाज़िरी देते हैं और दुआ वगैरह पढ़ते हैं। तो ये अभी मैं खड़ा हूँ तोली पीर के पास, तो तोली पीर की दरगाह पे हमने हाज़िरी दी, और यहाँ पर एक ढाबा भी है, छोटा सा होटल भी है चाय वगैरह के लिए, और यहाँ से आपको टक शॉप है, बिस्किट चिप्स वगैरह भी मिल जाएंगे। और यहाँ पर ये हमारे साथ हैं फयाज साहब। फयाज भाई शुक्रिया आपका पहले तो, और सलाम कहते हैं आपको, हम सिंध से आए हैं, तो आप हमें इस इलाके के बारे में और तोली पीर की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी इलाके जो बिल्कुल सामने खाई ला इस तरह जीरा आता है, वो सामने जो शहर है ये भांडिया वासपुर है, पीछे जो दरिया पुंछ कहते हैं और ये दरिया वाडर भी है। अच्छा, इसी तरह ये पीछे जो है चिड़ीकोट, पीछे फारूक कोटा, इससे आगे दर्रा आजी पीर, पीछे की साइड पे बाघ आता है, इससे मरी नजर आता है। तो मकबूजा कश्मीर आखिरी बर्फ वाला जो पहाड़ है ना वो जम्मू में आता है। अच्छा। जम्मू की डल झील मशहूर है ना, इसी बर्फ की वजह से उस साइड पे जो पिघल के बर्फ जाती है ना ये डल झील कहते हैं। अच्छा, तो इस इलाके को तोली पीर के नाम से मशहूर है, तो तोली पीर यहाँ पर कब आए थे? हमारे दादा परदा मुकामी लोग हैं, उनको भी नहीं पता, ये सदियों पुरानी ज़ियारतें हैं। अच्छा। तोली पीर हो गया, दर्रा जी पीर, नेजा पीर, ये अच्छा। जितने भी 4-5 लोग हैं ना ये सदियों पुराने सिलसिले हैं। अच्छा अच्छा। जो दूसरी तख्ती है शाहमदान की, इनका मज़ार श्रीनगर में, जो तारीखी बुजुर्ग हैं, इन्होंने तबलीगें की पूरे कश्मीर के अंदर, बर्रे सगीर के अंदर इन्होंने मुसलमान किए, ये जमात लेके आए थे शाहमदान, इनका मज़ार श्रीनगर में। सही है, शुक्रिया। ये पीछे जो है वेंडर ने बताया, जो यहाँ के लोकल हैं, तो ढाबे वाले भाई ने,
कि यहाँ से वो जो है सामने जो है आपको पूंछ दरिया है उस तरफ ये नाला जा रहा है और दरियाए पूंछ में आगे नज़र आ रहा है, जो पीछे पहाड़ियाँ हैं वो इंडिया की पहाड़ियाँ हैं और दरिया के इस तरफ, दरिया पूंछ के इस तरफ पाकिस्तान है, उस तरफ इंडिया है। वो उस इंडिया को भी पूंछ कहते हैं क्योंकि बिफोर पार्टीशन ये पूरा ही पूंछ एरिया था, मगर दरिया के उस तरफ जो है वो पूंछ इंडिया का पूंछ बन गया। राइट साइड पे जो दरिया, ये दरिया पूंछ जा रहा है तो आगे जाके वो दरिया जेहलम से जाके मिलेगा और फिर दरिया जेहलम से जाके आगे दरिया सिंध से जाके मिलेगा। लेफ़्ट साइड पर इस तरफ अगर आप देखें तो ये जो पहाड़ी सिलसिला है ये इधर लेफ़्ट साइड को आगे चलते जाएंगे तो बाघ का जो है वो डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन है शायद, या डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो है काफ़ी ऊंचे लंबे पहाड़ हैं। और उसके भी अगर आप लेफ़्ट साइड पर चले जाएंगे तो उस तरफ जो है वो गंगा चोटी है जहाँ पर हमने जाना है अभी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मेरा ठीक। आपका नाम? मेरा नाम मोहित खालिद। मोहित खालिद कहाँ से आए? मैं घर से। अपना घर से तो शहर कौन सा है? रावलकोट से। अच्छा, यहाँ पर नजदीक से। अस्सलाम वालेकुम, आप? हम तो आते हैं सरदार अब्दुल वासी। ये जी सरदार है, आप कहाँ से हैं? रावलकोट से। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? सरदार आपने अपने नाम से सरदार देखो, आपने सरदार नाम के साथ सूट नहीं कर रहा था। न्यूजीलैंड में रहते थे, रहते ब्लॉगिंग करते हैं। हाँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इंशाल्लाह? कर दिए। चले ठीक है, थैंक यू। अभी हमने आगे निकलना है। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके भाई। मिलेंगे इंशाल्लाह। ये तो घोड़ा है भाई, घोड़े की तरह ही आ रहा है, माशाल्लाह जबरदस्त। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन। किधर से आए हो? पाकिस्तान से। नहीं, ये मोहम्मद हुसैन, ये जगह कैसी लगी आपको? अच्छी जन्नत की तरह। और वो जो पैदल आ रहे हैं आपके मम्मा डैडी ताया बाबू, उनके प्रोग्राम का क्या बना है? बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? कैसे बढ़ गया? वो पैदल आए। पैदल आए तो बढ़ गया। आपका प्रोग्राम तो नहीं बढ़ा आपका? मैं तो घोड़े में आया हूँ। तो ये छोटे बच्चे मोहम्मद हुसैन थे और इनके पेरेंट्स हैं यहाँ पर खड़े। ये खुद जेहलम से आए हैं, जेहलम से थी जी, और इनका जो है इन्होंने बताया कि अम्मी अबू का प्रोग्राम बढ़ गया। वो पैदल आए हैं, ये घोड़े पर बैठ कर आए हैं। ये घोड़े पे आए हैं। चले जी, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ से अभी तौली पीर से हम अब वापस जा रहे हैं, अपने बाइक्स उठाएंगे और आगे हम जाएंगे गंगा चोटी। तो अब वापसी का सफ़र है, देखते हैं कि वापसी में हमें कितना टाइम लगता है। आते हुए तो तकरीबन हमें एक घंटा लग गया था, तो वो तो ऊपर चढ़ना था। बहरहाल अब देखते हैं नीचे जाते हुए हमें कितना टाइम लगता है। बहुत मज़ा आया तौली पीर पे, मौसम भी बहुत अच्छा है तौली पीर पे। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि वहाँ पर एक, यहाँ पर ही जो ढाबे पे हम खड़े थे वहाँ पर ही उन्होंने कोई 500 रुपए के हिसाब से कोई बेड का भी ऑप्शन रखा हुआ है कि कोई अगर इमरजेंसी में वहाँ पर स्टे करना चाहे तो वहाँ पे स्टे कर सकता है। तकरीबन कोई 500 रुपीस वो ले रहे हैं। ज़्यादा अच्छा नहीं है, फैमिलीज़ के लिए नहीं है, मगर कोई भी चढ़ा बंदा आए या कोई अकेला बंदा आ रहा है और किसी इमरजेंसी में है तो यहाँ पर आके स्टे कर सकता है।
ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये एक्चुअली मस्जिद है, तो अभी इसका नाम भी कंफर्म नहीं है, बता रहे हैं कि अभी ऑफिशियली नहीं रखा है, मगर मस्जिद आयशा के नाम से पहचानी जाती है, या मस्जिद आयशा नाम है अभी इसका। और ये अभी रिसेंटली बिल्ड हुई है, अभी इसका जो है बाथरूम टॉयलेट का काम चल रहा है, तो बाकी नमाज वगैरह आप पढ़ सकते हैं। वुजू के लिए जगह जो है वो उसके साथ में यहाँ पर कहीं नीचे जो है वो चश्मा टाइप है या नलका लगा हुआ है, बाकी वहाँ पर टॉयलेट या वाशरूम नहीं है। और मस्जिद के लिए क्योंकि ये ज़ेर तमीर मस्जिद है तो यहाँ पर लोग जो है वो चंदा वगैरह बड़े ज़ोर शोर से दे रहे हैं, तो अल्लाह करेगा कि बरकत होगी और ये मस्जिद आबाद होगी। बहुत शुक्रिया जी। तो ये जी हम अब तोलीपीर से नीचे आ गए हैं पार्किंग एरिया में, तो जाते हुए हमें तकरीबन एक घंटा लग गया था, एक घंटे से थोड़ा सा ऊपर, और वापसी में जो है वो तकरीबन 40 मिनट ही, एग्जैक्टली 40 मिनट ही लगे। यहाँ पर हमने अपनी बाइक्स खड़ी की थी, तो सामने हमारे जो हैं वो एक किराना स्टोर जनरल स्टोर वाले भाई हैं जिनको हमने अपना सामान भी दिया था, वो अभी नज़र नहीं आ रहे, तो उनसे हम अपना सामान भी लेते हैं और सामान लोड करते हैं और फिर हम निकलते हैं गंगा चोटी की तरफ। मगर यहाँ से आपको ये देखें कि चिप्स वगैरह, लेस और कोल्ड ड्रिंक्स, पानी, हर चीज़ मिलेगी, चाय वगैरह भी आपको मिलेगी। अच्छा, तोलीपीर से जैसे ही आप वहाँ पर मोटर बाइक या कार अपनी पार्क करते हैं, तो वहाँ से अगर आप राइट साइड पर आ जाएं, तो इस तरफ कुछ बच्चों के नीचे झूले वगैरह हैं, कुछ बैठने की सिटिंग एरिया भी है, चबूतरे बने हुए हैं, और इस तरफ आपको ये टॉयलेट्स वगैरह भी मिलेंगे। मगर इस वक्त अनफॉर्चुनेटली ये तीन जो हैं, चार हैं, चार में से तीन पे तो ताला लगा हुआ है, और एक वॉशरूम वो भी खुला है मगर वो भी यूज़ करने के इतने काबिल नहीं है। मगर इसकी वजह जो है वो यहाँ पर पानी की नॉन अवेलेबिलिटी है, पानी इस वक्त यहाँ पर बारिशें वगैरह शायद कम हुई हैं, तो उसकी वजह से जो है वो यहाँ पर पानी की फैसिलिटी ना होने की वजह से टॉयलेट्स जो हैं वो बंद किए हुए हैं। शुक्रिया जनाब। यहाँ से अभी हमने चाय पी है, ये ढली का छोटा सा गांव था जहाँ पर हमारी खातिर तोहज़ा की